खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, अगरचे जिंदगी मुश्किल है, घबराया नहीं शाकिर। ये मेरे रब का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। एक हादसा हुआ, 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगा, उससे मेरे दोनों बाजू जाया हो गए, ये अब्डामन सारा ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नजर आ रहे थे। तो मैंने इलाज के दौरान अपने रब से ये वादा किया कि या अल्लाह, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा। डाडी रही तकदीर ते बावा नहीं रही, पर साडे लबां ते फिर भी हावा नहीं रही, ते जे कोई जज्बे नाल मुदावे कदमां नूं ओहदे लई फिर औखियां रावां नहीं रही। कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमजर मेरे साथ है। कि हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत तो है ना क्या जो हाथ है। और शाकिर के दस्तों बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया बल्कि ताकत बनाया। ये शख्स बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बन गया। ये हैं जी मेरे साथ बीए शाकिर साहब, जो कि दोनों हाथों से महरूम हैं, मगर इसके बावजूद ये गाड़ी ड्राइव करते हैं। इन्होंने एक एम्बुलेंस बनाई हुई है, उसको ये खुद चलाते हैं, और वो एम्बुलेंस बहुत सारे माजूर अफराद के लिए इन्होंने फ्री सर्विस शुरू की हुई है। इसके अलावा माजूरों के लिए बहुत सारा इनका काम है। शायर भी हैं, राइटर भी बड़े अच्छे हैं। तो इनकी शख्सियत आपके सामने हम मजीद रखते हैं, हम इनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हिम्मत इनमें कैसे आई, ये जज्बा ये हौसला इनमें कैसे आया कि ना कुछ होते हुए भी ये बहुत कुछ हैं। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। कैसे आई हिम्मत इतनी बीए शाकिर के अंदर कि आज आप बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद बने हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, अगरचे ज़िंदगी मुश्किल है, घबराया नहीं शाकिर। तो ये मेरे रब का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। कि अल्लाह ने मुझे हौसला बख्शा। एक हादसा हुआ, 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगा, उससे मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए, ये अब्डामन सारा ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे। और जो भी शख्स देखता था वो पहली नज़र में देखते ही ये कहता था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं 2005 से 4 दिसंबर 2002 को ये मेरा हादसा हुआ था, और जब मैं ठीक हो गया तकरीबन एक साल मेरा इलाज हुआ। इलाज के दौरान 72 बोतलें खून की लगी, और अल्लाह करीम ने एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। तो मैंने इलाज के दौरान अपने रब से ये वादा किया कि या अल्लाह, अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा, और मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो माजूर भी हैं और ग़रीब भी हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं 2005 से उनकी खिदमत कर रहा हूँ। शाकिर साहब का एक जो बाजू है वो आधा कटा हुआ है, जबकि एक शोल्डर तक कटा हुआ है, मगर आपको इनकी बातों से जो हौसला मिलेगा या फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने पुख्ता शख्सियत के मालिक हैं। पड़े थे अस्पताल में बेड के ऊपर, मगर ये साथ साथ उस ज़ात करीम से वादा कर रहे थे कि या अल्लाह, अगर मैं बच गया तो फिर जो तेरे बंदे हैं मैं उनकी खिदमत करूँगा। तो ये अब माशाल्लाह से खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में। आप सिर्फ गाड़ी भी खुद ड्राइव कर लेते हैं, तो ये कितना मुश्किल है कि अब आधे से ज़्यादा काम तो बाजुओं का होता है, स्टेरिंग को संभालना फिर गियर लगाना। मैं समझता हूँ कि मुश्किल इंसान के जहन में होती है, और उस हवाले से मैं पंजाबी में मेरा कलाम है कि डाडी रही तकदीर, डाडी रही तकदीर ते बावा नहीं रही, पर साडे लबां ते फिर भी हावा नहीं रही, ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं ओहदे लई फिर औखियां रावां नहीं रही। तो ये बाकी रह गया गाड़ी ड्राइव करने की जो बात आपने की है, तो गाड़ी ड्राइव करने में भी मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे पाक परवरदिगार का करम है। आप दुआए सफ़र पे गौर फरमाएं कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख़र कर दिया, वरना हम इस काबिल न थे। तो तारीफ़ तो अल्लाह ताला की है, और वो जिसे चाहे जितना चाहे नवाज देता है।
मेरे रब का ये फ़ज़ल है, करम है कि मुझे मेरे अल्लाह ने अच्छे अच्छे दोस्तों से नवाजा है। और उनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। आपने तो सर माशाल्लाह बहुत बड़ा बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने माजूर अफराद के लिए एम्बुलेंस बना डाली, फिर आप ख़ुद उसको ड्राइव करते हैं, आप ख़ुद पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी देते हैं। तो ये सारा कुछ आपने अपनी जेब से किया है, एम्बुलेंस गाड़ी खरीदी ये वो? जी अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी जेब से भी इसमें लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि पहला जिक्र किया कि मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो जिंदा दिल लोग मेरे दस्तो बाजू हैं, कि हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना क्या हुआ जो हाथ नहीं। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। तो मेरे हमारे जो इदारे के मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं और ये खिदमत का सफ़र जारी है। 3 दिसंबर 2021 को अल्लाह के फजल करम से हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का मैं बानी सदर हूँ। तो हम 3 दिसंबर को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह कम अज़ कम 200 के करीब बिस्तर जो हैं वो माजूर अफराद को और बेवा औरतों को और हकदारान को ये दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा माजूर अफराद की तालीम के लिए, फिर उनके जो दीगर अखराजात होते हैं उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप? जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम उनको कोशिश करते हैं कि पहले तो उनके जहन में ये माजूरी को, पहली बात यह है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम उन्हें स्पेशल पर्सन कह दें, डिफेबल कह दें, जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन ज़बानी जमा खर्च से उनका हम वो मोराल बुलंद नहीं कर सकते जब तक अमली तौर पर उनकी हम खिदमत नहीं करेंगे। अगर एक शख्स जो है उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, हम उसको ज़बानी कहते रहें जी आप स्पेशल पर्सन हैं, आप माजूर नहीं हैं, ये है वो नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होगा और ये मतलब एक सियासी बयान तो हो सकता है लेकिन ये खिदमत नहीं है। खिदमत ये है कि आप उसको ये बावर करवाएं कि यार जो भी होना था वो हो गया, माजूरी किसी एक्सीडेंट की सूरत में, किसी डिजीज़ की सूरत में या बाई बर्थ, आपकी जो नेमतें आपके पास कम हैं कोई बात नहीं, आप जो नेमतें मौजूद हैं उनकी शुक्रगुजारी करें, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हिम्मत से काम लें और जो नेमतें मौजूद हैं उनको बुरुएकार लाते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है, इस चीज़ का नाम इंजीनियर्स ट्रेनिंग है। हम उनको वो ट्रेनिंग देते हैं जिस तरह के उनके सामने ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ कि मेरे दोनों बाजू नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे हज़ारों लाखों बाजू हैं जो आप जैसे दोस्त अहबाब मुझे मुतारफ़ करवा रहे हैं सोसाइटी में, आप भी तो मेरे बाजू हैं। तो इसी तरह हम उन्हें कहते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी और अगर कोई नाशुक्री करता है तो अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। बीए शाकिर ने कितने माजूर अफराद के ऊपर अपना दस्ते शफकत रखा हुआ है? मैं समझता हूँ कि जितने भी स्पेशल पर्सन हमारे इदारे में एप्लीकेशन देते हैं, हमने आज तक अल्लाह के फजल करम से किसी को भी मायूस नहीं किया और हम उसकी तहकीक करते हैं, तस्दीक करते हैं, जो डिज़र्विंग होते हैं हम उनको ज़रूर उनकी हेल्प आउट करते हैं। और ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे से किसी भी जगह से कोई माजूर जो शख्स है वो जब अपील करता है तो अल्लाह के फजल करम से हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकें। और इसमें तादाद अगर हम कहें आज तक अल्लाह के फजल करम से तकरीबन कोई 1,500 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हम व्हील चेयर दे चुके हैं, ट्राईसाइकल्स दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दे चुके हैं और ये अभी जो इसमें बुनियादी तालीम देकर हम उनको इस काबिल करते हैं, कंप्यूटर वगैरह सिखा के इस काबिल करते हैं कि वो कोई छोटी मोटी जॉब कर सकें, अपने माँ बाप का सहारा बन सकें। इससे पहले हमने एक लड़की की वीडियो बनाई थी जिसे करंट लगा था, वो अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गई थी। तो सर अब तो टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, अब तो जो आर्म्स हैं या फिर जो लेग्स हैं वो भी आ चुकी हैं जिनके साथ बंदा प्रॉपर तौर पे सही अच्छे तरीके से काम शाम कर सकता है। तो आपको नहीं कभी ख्याल आया कि आप उस तरफ जाएं या फिर अगर कोई ऐसा पॉसिबल हो सके कि आप भी लगवाएं और वो काम शाम आप बआसानी निपटा सकें?
मेरे पास दो सेट मौजूद हैं आर्टिफिशियल लिम के, लेकिन वो मैंने कभी नहीं लगाए। मैं इस तरह से ज़्यादा इजी फील करता हूँ, और दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं उस एहसास को खोना नहीं चाहता कि जो एहसास मुझे स्पेशल पर्सन का मैं कर सकता हूँ या फील कर सकता हूँ, वो एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर फिज़िकली फिट है, उसको नहीं अंदाज़ा उस चीज़ का कि जिस शख्स के दोनों हाथ नहीं हैं वो अगर चिलर के पास जाके पानी पीना चाहेगा तो क्या करेगा। तो वो एहसास मैं खोना नहीं चाहता, और अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमिन हूँ, और दिल मुतमिन हमारा है, जब हाथ ही नहीं कैसे करेंगे हम कहीं दस्ते तमा दराज। बी ए शाकिर साहब ने पोइट्री भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, इनकी एक शायरी ऐसी है जिसने हमारे जो कबड्डी के नौजवान थे उनके अंदर नई रूह फूंकी। जब डाइस के ऊपर इनकी शायरी पढ़ी जा रही थी तो फिर जो मैदान में उतरे हुए हमारे नौजवान थे उन्होंने फिर वाकई जो मुखालफीन थे उनको चारों खाने चित किया। तो सर कौन सी आपकी वो शायरी थी? जी ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद अमजद कमेंटेटर, जो जिनकी कमेंट्री जो है कबड्डी के मैच जब होते रहे इंटरनेशनल मैच उनमें वो बार बार मेरा कलाम सुनाते रहे, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के तवसत से। तो वो पंजाबी की शायरी है कि एक कौडी खेड पंजाब दी एदी सदियां तो पहचान, एक कौडी खेड पंजाब दी एदी सदियां तो पहचान, ते गबरू पुत पंजाब दे एदा वाहवा माण वधाण, कोई हत्थां विच हथियार भी नहीं ते जंग दा होवे गुमान, ये खेड नहीं यार जनानियां दी इनू खेडन शेर जवान, ये राखे राठ ते चौधरी ये मुनसफ ने प्रधान, और सुचियां खेडां खेडन वाले हाथ ला के नस जान, कोई जाफी जफा मार लवे ते फेर नहीं देंदा जान, ये राणी सारियां खेडां दी इहदी वक्री टौर ते शान, और कौडी दे खिडकारी शाकिर दिसदे ने सुल्तान, ये सारी खेड मुकदरां दी जे बाहवां ने कुरबान, पर दर्दां तो नहीं हारिया शाकिर दुनिया होई हैरान। वाह दुनिया होई हैरान, ये जज्बा है इनका। तो इनकी आज वीडियो बनाने का मकसद या फिर इनको आपके सामने लाने का जो हमारा मकसद वो यही है कि अगर मालिक करीम ने आपको किसी चीज़ से महरूम रखा है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने दिल छोटा नहीं करना। ये आपके सामने मिसाल है कि ना बाजू भी होते हुए ये कई लोगों के बाजू बन चुके हैं। अभी ये एक अपना यहाँ पे इदारा चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे माजूर अफराद के सर पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है। अभी ये बिस्तर देने जा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं। इसी तरह जो माजूर ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत सारा काम कर रहे हैं, उन्हें कपड़े लेके देते हैं, खाना उनको मुहैया किया जाता है। इसके अलावा तालीम और तरबियत का यहाँ पर इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। सर ये जो आपने अभी ड्रेसिंग की हुई है, मुझे आज भी याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था तो हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो हमारे पाक आर्मी से रिटायर्ड कर्नल थे, तो उन्हें देख के मुझे लग रहा है कि आपका भी शायद हो सकता है कि ताल्लुक़ हमारे उस इदारे से हो जिस पे हमें फ़ख्र है। जी अल्लाह के फजल व करम से मैंने 12 साल तक पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली, मैं सबका बॉक्सर हूँ आर्मी का, और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नाकआउट नहीं हुआ। तो ये मेरे रब की मेहरबानी है ये कि आर्मी में भी अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा, और आज भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है। मैं मेरा जो एक नाम मुकाम है बतौर शायर बतौर सोशल वर्कर, ये मेरे रब का ख़ास करम है। तो मैं इस पे ये कहता हूँ कि ख्वाहिशें दिल में बसा लीं तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाहिशें दिल में बसा लीं तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाब बुनते हुए मैं खुद भी उधड़ सकता हूँ, और मुझे आसानियाँ रास आती नहीं शुक्रिया दोस्त इनके हासिल से मैं मुश्किल में भी पड़ सकता हूँ। वाह 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 कमाल। और मैं शजर हूँ तेरे पीछे तो नहीं चल सकता, हाँ किसी रोज़ जड़ों से तो उखड़ सकता हूँ, और इश्क ने मुझसे कहा भाग के देखो तो सही, मेरे बागी में तेरे पाँव जकड़ सकता हूँ। और 6 सितंबर को किया मेरे बुजुर्गों ने दिफा, फख्र से तान के सीना में अकड़ सकता हूँ, मुझे मजलूम न समझो के कटे बाजुओं से मैं भी जालिम का गरेबान पकड़ सकता हूँ, और थाम लेना मुझे मेले में शाकिर वरना इस कदर भीड़ में मैं तुझसे बिछड़ सकता। वाह 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 सर कमाल कमाल। अल्फाज परोना जिसे कहते हैं ना, वो आप इनकी शायरी सुन के आपको लगेगा कि वाकई। सर मैं चाहूँगा कि जाते जाते माजूर अफराद के लिए आप क्या कहेंगे? जी स्पेशल पर्सन्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी,
और ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी जो है वो निशेबो फराज का नाम है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक पैगाम है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम है कि ज़िंदगी जो है वो निशेबो फराज का नाम है। कभी भी वक्त एक सा नहीं रहता, जैसा कि मैंने कहा कि वक्त वो साज है, नगमात बदल देता है, पल में बरसों के ये हालात बदल देता है। मैं तो बस खाक हूँ, मोहम्मद से है पहचान मेरी, ये वसीला मेरे औकात बदल देता है। और उदास लोगों से इसलिए मिलता है बशीर, प्यार से उनके ये जज्बात बदल देता है। और ऐसा है तीर बहादफ नुस्खा मुस्कुराहट का, आंखों से जारी ये बरसात बदल देता है। और आरजू होना जिसे हिकमत और दानाई की, बात सुनने से कबल बात बदल देता है। और जबर से कौन बदल सकता है फितरत शाकिर, कल्ब का जाविया बदले तो आदात बदल देता है। तो मेरा ये पैगाम है कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने सुनी है दुआएं बी ए शाकिर साहब की, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में आपने शाकिर साहब को याद रखना है। जब तक ऐसे लोग हमारे मुआशरे में हैं, हमारे मुल्क में हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तो दिल बड़ा रखना है, हौसले बड़े रखने हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर करम करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।